सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एआई का यूनिट 1, जो है हमारी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई का सेशन 2, एआई डोमेन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका जो सेशन 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया अपने प्रीवियस वीडियो में। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, और साथ में ये जो पूरी प्ले लिस्ट है मैं इसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहाँ से आप अपनी पूरी प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन 2 ऑफ यूनिट 1, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई। अब ये जो यूनिट है ना, यूनिट 1 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई, इसका जो वेटेज है बोर्ड्स में वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स है। तो इस हिसाब से जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में तो आगे जब हम बढ़ेंगे, सबसे पहले जो डिफाइन है वो आज की हमारी वो ये है एआई टेक्नोलॉजीज। तो एआई टेक्नोलॉजीज होती क्या है, तो हम बात करें अगर एआई टेक्नोलॉजीज की, तो ये होती है द सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच एनेबल्स द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू परफॉर्म टास्क विद ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। यहाँ पे टास्क जो है वो यहाँ पर रह गए। तो क्या है इसकी डिफाइन, एआई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज जिससे क्या कर सके कोई भी मशीन ह्यूमन्स के जैसे टास्क को कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर, तो आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं पर एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ना कई बार हमारे फेशियल रिकॉग्निशन होती है ना। तो ये जो फेशियल रिकॉग्निशन है वैसे ह्यूमंस करते हैं, है ना। आपके फोटो में देख करके, आपके फोटो में देखेंगे फिर वो आपके फेस को चेक करेंगे, तो ये फेशियल रिकॉग्निशन ह्यूमंस करते हैं। लेकिन अब ये क्या है, अब ये मशीन्स भी करने लगी हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या कर रहे हैं, मशीन्स जो है वो कैसे वर्क कर रही है लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के ऐसे इंटेलिजेंस के साथ वो वर्क कर रही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एआई टेक्नोलॉजीज, है ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पर हमारा आएगा एआई जो होता है, एआई क्या होता है। तो एआई क्या करता है, एआई इनेबल्स मशीन्स टू थिंक और टू डू इट्स टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो एआई क्या करता है, एआई हेल्प करता है मशीन्स को किसी भी टास्क को करने में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन्स के इंटरफेरेंस के बिना, किसी भी तरीके की ह्यूमन्स की हेल्प के बिना एआई क्या करता है, मशीन को हेल्प करता है ताकि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के। तो अब आता है नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ एआई। तो एआई के ना ब्रॉडली टू कैटेगरीज है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग और एक हम पढ़ेंगे डीप लर्निंग, है ना। बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज, तो यहाँ पर ब्रॉडली टू को पढ़ेंगे, एक है हमारी मशीन लर्निंग और एक है हमारी डीप लर्निंग। तो जरा बात करें हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की ब्रीफ में। तो जो मशीन लर्निंग होता है वो बेसिकली, मशीन लर्निंग भी एक एआई की ही ब्रांच होती है, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई, है ना। और इसी हिसाब से हम आगे बढ़े तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स लर्निंग में क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं वो अपने आप ही सीखती हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न्स ऑटोमेटिकली एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, अपने आप सीखती हैं और साथ में जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उनसे वो सीखती हैं, और बाय द यूज ऑफ डेटा। जो डेटा यहाँ पे, डेटा जो मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा, या फिर बोले कि एआई रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, सबके अंदर जो डेटा का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो ये जो मॉडल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ए मशीन लर्निंग में क्या होता है, एमएल में जो मशीन्स होती है अपने आप सीखती हैं अपने पास्ट डेटा से, या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, बाय द यूज ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखे होंगे कि जो ह्यूमन होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। अब वो जो मिस्टेक्स करते हैं उनसे वो सीखते हैं ताकि हम उसको मिस्टेक्स को आगे ना रिपीट करें। ऐसी जो मशीन है वो भी एक सीखती हैं, और इस पूरी टेक्नोलॉजी की, या फिर प्रोसेस को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन जो होती है वो अपने आप सीखती हैं, इसी के साथ में वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस सीखती हैं विद द यूज ऑफ डेटा। यहाँ पे डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, रोल है। अब पता है नेक्स्ट, मशीन लर्निंग डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, यानी कि हमारे हस्तक्षेप की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मशीन जो होती हैं वो अपने आप सीखती जाती हैं। और साथ में अगर आप ह्यूमन ने, अगर आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे कोड्स लिखने पड़ेंगे या फिर एनीथिंग एस कुछ आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे कोई भी कोड नहीं लिखना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करना है जिससे कि मशीन अपने आप सीखती जाएगी और अपने आप को चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती जाएगी। इसका हम बात करें अगर फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखते होंगे जब आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, मान लीजिए आपने अगर यूट्यूब पर सर्च किया फोकरा इंसान, तो जैसे आपने फोकरा इंसान सर्च किया तो आप देखते हैं कि जब आप अगली बार यूट्यूब को एडिट करते हैं तो आपको जैसी वीडियोस फोकरा इंसान बनाता है वैसी उसी तरीके की वीडियोस आपको रिकमेंड होने अपने आप लग जाती हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है मशीन लर्निंग की वजह से, क्योंकि उसने क्या किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा कि आप किस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं और उसी तरीके का कंटेंट आपको
सो भी कराया है। तो ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, फाइंड्स पैटर्न्स इन डेटा एंड यूजेस दिस डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस। अब मशीन लर्निंग ना सिर्फ प्रेडिक्शन करता है ना, और वो जो उसकी प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होती है। जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उतनी ज़्यादा जो मशीन लर्निंग की प्रेडिक्शन है या फिर डिसीजन है वो उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा और काफ़ी ज़्यादा है ना एक्यूरेट भी होगा। वहीं पर अगर हमारे पास डेटा जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा जो डिसीजन है हमारा या फिर उतना ज़्यादा जो प्रेडिक्शन है हमारी वो गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर, तो आपने सुना होगा टेस्ला कार के बारे में। तो जो टेस्ला कार जो होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके सामने कोई इंसान आ जाए तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना है ना। वहीं पे अगर आपके सामने कोई रेड सिग्नल आ गया, फिर कोई सिग्नल आ गया, फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना, तो ऑब्स्टिकल आ गया तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना है। तो ये उसको डेटा दिया गया है ना, जैसे वो सीख रही है। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कार्स के बारे में, तो आप देखते हैं कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई सारी जगहों पे आपको ना वहाँ पे कार्स के फोटोज वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। ऐसे अगर आप मान लीजिए आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं और आपने गूगल पे सर्च किया कोई जिम से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज सर्च की, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शाम तक, मान लीजिए आपने सुबह सर्च किया जिम और शाम तक आप देखेंगे कि आपको ना काफ़ी सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे रील्स एंड एलसेक्ट्रा चीज़ें, आपको अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर आपको एड्स दिखने लग जाएंगे है ना, सारी सारी जिम से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें किस पर वर्क कर रही हैं, ये वर्क कर रही हैं मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर बेस्ड है ना। सारी चीज़ें क्या है, मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर बेस्ड है, उसी के ऊपर ये क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो, वो है हमारा डीप लर्निंग। तो वॉट इज़ डीप लर्निंग? अब वो पता है, हमने भी देखा कि जो मशीन लर्निंग है वो AI का सबसेट है ना। मशीन लर्निंग जो होती है वो किसका सबसेट है, AI का है ना। ये जो साइन है ना, ये ऐसे करके, इसका मतलब होता है सबसेट है ना। और जो डीप लर्निंग होता है यानी कि DL, वो सबसेट है ML का है ना, मशीन लर्निंग का। तो ये कुछ नहीं है, DL इज अ सबसेट या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं ब्रांच, इज अ ब्रांच ऑफ ML यानी कि मशीन लर्निंग। और इन डीप लर्निंग मशीन लर्न बाई टेकिंग एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है, मशीन जो होती हैं वो एग्जाम्पल्स को लेती हैं और उससे वो सीखती हैं है ना। इसके साथ में हम बात करें अगर, तो जैसे कि हम देखें तो फोन्स में हमारे फेस लॉक आता है वो है ना। तो फोन्स में फेस लॉक जो आ रहा है उसमें हमने देखा कि उसमें हमने फेस दिखाया है ना, जिससे कि उसको बाद में वो रिकॉग्नाइज करे। तो ये क्या होगा, हमने उसको एग्जाम्पल दिया जिससे कि वो वर्क कर पा रही है ना। ऐसे आपने देखा हो कई सारी पे क्या होता है, वहाँ पे हम ना अपना वॉइस लॉक लगा देते हैं, हम कुछ बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा हो कई सारी वीडियोस में या फिर कई सारी जगहों पे आपने देखा हो कि हाउसेस में ना वॉइस लॉक होता है, जब कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बोलेगा ओपन करने के लिए डोर को, वो जब भी ओपन होता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने वॉइस का एग्जाम्पल दिया है जिससे कि वो उसी वॉइस के लिए ओपन हो जाता है। तो ये किस में आ गया, ये आ गया डीप लर्निंग में है ना। ऐसे ड्राइवरलेस कार्स भी किस में आती हैं, डीप लर्निंग्स में। फॉर एग्जाम्पल कैसे ड्राइवरलेस कार्स कैसे आएंगी डीप लर्निंग में, क्योंकि देखिए जब कार के आगे कोई ऑटोमेटिक कार है उसके अगर कोई ह्यूमन आगे खड़ा हो गया तो वो क्यों रुकेगी, वो उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसको पहले ना एग्जाम्पल दिया गया कि दिया गया था कि अगर ऐसा कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने आ जाए या फिर कोई ह्यूमन वगैरह ऐसी चीज़ कोई आ जाए आपके सामने तो वहाँ पर आपको रुकना है। तो ये किसके अंदर आता है, जाता है डीप लर्निंग के अंदर। अब आता है नेक्स्ट नोट। तो AI ना एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है, ये क्या होती है, कई सारी टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर होता है। तो आपको यहाँ पे कई, ये जो पॉइंट है ना नोट में जो लिखा है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आप याद रखना है ना। और जो एक और चीज़ याद रखने वाली ये है MCQ के लिए, वो ये है कि जो मशीन लर्निंग होती है वो AI का सबसेट है और डीप लर्निंग होती है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है ना, या फिर उसका पार्ट है। अब आते हैं हमारा, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा आता है डोमेन्स ऑफ AI। तो बात करेंगे डोमेन्स ऑफ AI की, तो ब्रॉडली ये ना तीन डोमेन्स होते हैं AI के। सबसे पहला आता है डेटा साइंस, फिर आता है कंप्यूटर विजन ऑन एंड फिर आता है एक NLP या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों के बारे में ज़रा ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं है ना। तो डेटा साइंस क्या होता है, डेटा साइंस में हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं है ना। ये भी ये तीनों के तीनों ना AI की फील्ड है, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और NLP, तीनों के तीनों डेटा साइंस की ही फील्ड है। और डेटा साइंस में हम क्या करते हैं, ये AI का वो फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स और प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा में से इंसाइट्स को निकाल सकें, इंसाइट्स यानी कि आउटपुट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। डेटा साइंस जो होती है वो रिलेटेड होती है डेटा माइनिंग से,
मशीन लर्निंग से और बिग डेटा से। तो जरा हम बात करते हैं तीनों की। डेटा माइनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास ह्यूज डेटा सेट्स होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े डेटा सेट्स जो होते हैं उसमें हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं इसमें, डेटा माइनिंग में हम ह्यूज डेटा सेट्स में से पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम वहीं पर बात करें अगर मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग क्या है, हमें अभी देखा है सबसे पहले, उसमें क्या करते हैं एबिलिटी ऑफ मशीन टू मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसिस, है ना। और यहाँ पे एक डिफाइन लिखी हुई है यहाँ पे, मशीन लर्निंग इज द एबिलिटी ऑफ मशीन टू मेक प्रेडिक्शन बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन ह्यूज डेटा सेट्स, है ना। तो मशीन लर्निंग भी आपको पता है ना। बात करें अगर बिग डेटा की, तो बिग डेटा होता है जितने भी बड़े डेटा सेट्स होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल रेट मतलब क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि एक्स थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन वाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। जैसे कि हम बात करें अगर इनसे यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो पोस्ट हैं वो डेली डेली बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ये किस रेट पे बढ़ रही है, बढ़ रही है एक्सपोनेंशियल रेट पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं बिग डेटा, इसको हम बोलते हैं। अब आते हैं हमारा इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन का ना काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली इसका यूज़ भी है, और इसको ना यूज़ किया जाता है ज़्यादातर क्रिमिनल्स को पकड़ने में, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी भी है क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उसने काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है क्रिमिनल्स को पकड़ने में। तो हम बात करें अगर कंप्यूटर विजन की, तो इसको ना इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CV, और इसकी जो डिफाइन है वो ये होती है द ब्रांच ऑफ AI दैट हेल्प्स मशीन्स टू रिकॉग्नाइज एन इमेज बाय ब्रेकिंग डाउन एन इमेज। अब इमेज को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो उसको आधा आधा कर देती है, ऐसा नहीं। वो इमेज जो होती है, कोई भी इमेज जो होती है वो बनी होती है थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स से, है ना, थाउजेंड ऑफ पिक्सल्स से वो फॉर्म होती है। अब उन पिक्सल्स को अलग सेपरेट करके वो क्या करती है, AI उसको रीड करती है उस इमेज को, है ना, उसको इमेज को पहचानती है। तो इसको हम क्या होते हैं, इस ब्रांच ऑफ AI को हम क्या होते हैं कंप्यूटर विजन। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर इमेजेस को या फिर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो कि इमेजेस के अंदर या फिर वीडियो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एयरपोर्ट्स पे ना कई सारे कैमरास होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें ना कई सारे जो क्रिमिनल्स हैं वांटेड क्रिमिनल्स उनको वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ड्यू टू कंप्यूटर विजन। अब आता है इसके बाद हमारा लास्ट लास्ट ब्रांच ऑफ डेटा साइंस, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब NLP जो होता है इसके ऊपर जो बेस्ड है, इस AI टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बेस्ड मॉडल है वो है हमारे आज के समय पर सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल गूगल का असिस्टेंट या फिर अमेजोन एलेक्सा, है ना, आपने सुना होगा एलेक्सा। तो ज़रा इसकी बात करते हैं, तो थर्ड क्या है हमारा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर NLP। तो ये AI की वो ब्रांच है जिसमें क्या करता है, कंप्यूटर जनरेट एंड मैनिपुलेट ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी ब्रज भाषा या फिर हम बोलें लोकल लैंग्वेज जो है वो हमारी, उसको वो अंडरस्टैंड करता है, और इसी के साथ में वो उसी के रेस्पेक्टिव आउटपुट भी जनरेट करता है, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे कि आपने देखा होगा जो गूगल असिस्टेंट होता है ना, गूगल असिस्टेंट, तो उससे हम जब बात करें तो हम अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं ना, हिंदी में या फिर जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम बात करते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो उसे ईजिली समझ पाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है ताकि वो जनरेट भी कर सके उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट, और उस लैंग्वेज को वो मैनिपुलेट भी कर सके। और NLP के पास क्या होता है, एबिलिटी टू इंटरप्रेट द डेटा विथ नेचुरल लैंग्वेज और टेक्स्ट, है ना। तो NLP के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है जिससे कि वो डेटा को नेचुरल लैंग्वेज या फिर टेक्स्ट के रूप में इंटरप्रेट कर पाता है। अब NLP जो होती है इसके अंदर भी टू कैटेगरीज होती हैं, एक तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एक जनरेशन। तो अंडरस्टैंडिंग क्या, जैसे मैंने गूगल से बोला, गूगल असिस्टेंट से, कि गूगल क्या तुम बता सकते हो कल मौसम कैसा रहेगा, तो उस केस में उसने मुझे बता दिया कि कल मौसम, कल थोड़ी सी बारिश रहेगी। तो अब मैंने वहाँ पे अपना इनपुट दिया कि कल मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो मेरी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसने मुझे बोला कि कल बादल छाए रहेंगे या फिर बारिश होगी। तो अब उसने क्या किया, नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट किया, तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों उसके सब कैटेगरी सब डोमेन्स उसके हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं हम NLU की और NLG की। NLU यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड NLG यानी कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम जरा, अब बताओ हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जो कि हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है NLU
नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है NLG नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। और इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स मशीन्स टू रिकॉग्नाइज नेचुरल स्पीच एंड अंडरस्टैंड इट्स मीन, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको समझने में मदद करता है। और इसके साथ में ये जो होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन स्पीच करता है, ये मशीन्स को जो भी हमने बोला है उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट देने में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि ये हमारा सेशन 2 ऑफ यूनिट 1 फाउंडेशन कॉन्सेप्ट ऑफ AI। और गाइस इसका जो वेटेज है पूरी यूनिट 1 का वो 10 मार्क्स का है इन एग्जाम, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी चाहिए। और अगर आप इसको फर्स्ट डे से, जैसे आप मान लीजिए आप अगर 10th में आ गए हैं, तो आप इसको फर्स्ट डे से अगर पढ़ते हैं ना, तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम तक आप ना इसको 3-4 बार इजिली पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2-3 महीने रह गए हैं, तो आप तब पढ़ना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको देखिए, क्योंकि वीडियोस काफ़ी छोटी हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें ना क्वांटिटी कम है पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये मस्ट पढ़नी चाहिए। और इसी के साथ में ये जो नोट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा मोर देन इनफ है आपके लिए। अगर आप सिर्फ इन नोट्स को भी पढ़ते हैं ना, तो भी आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो सो गाइज दैट इज फॉर टुडे गाइज, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक लिए बाय बाय।